अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुभान टीवी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटे वाला बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई खबर का पता चल सके। हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना, लेकिन खुद इमरान खान कितना अरसा वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे? माहिर इल्म-ए-नुजूम ने तहलका खेज दावा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बने 100 दिन होने के करीब हैं और इस दौरान माशी हालात और मजहबी जमातों के इज्तिमा समेत हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक माहर इल्म-ए-नुजूम ने दावा किया है कि इमरान खान आइंदा 10 साल के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। यह वही माहर नुजूम है जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशनगोई भी की थी। चौधरी गुलाम सयान ने बताया कि अभी तक कोई बंदा ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन आपको खबर दे रहे हैं कि मुल्तान से तल्लक रखने वाले माहर फलकियात उमर फारूक ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीख और जगह पैदाइश कहीं से हासिल कर ली है और इनका कहना है कि इमरान खान के पहले हाउस में मरीख बैठा है, वो फैसले तेज़ी से कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के घर का मालिक जहल है जो 17-18 डिग्री में लुब्रा पर बैठा है जो बेहतरीन पोजीशन है। उमर फारूक का कहना है कि इमरान खान किसी को पसंद आए या ना आए, अगले एक अशरे के लिए वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। अगर अहले इल्म इनके बरक्स राय देना चाहें तो भी बताएं। चौधरी गुलाम सैन के मुताबिक उमर फारूक ने फ़ोन करके बताया कि कोई शख्स इमरान खान से खिलाफ कायदा काम नहीं ले सकता और कौम की खिदमत करने से मुतलक सवाल पर उमर फारूक ने बताया कि इमरान खान कौम को रिलीफ देगा और कानून के तहत रहकर ही काम करेगा। उमर फारूक ने अहदा मिलने से एक साल कबल यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशनगोई की थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने मानने से इनकार कर दिया था और इनका मौक़िफ़ था कि अभी भुट्टो फैमिली मौजूद है तो मैं कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ, लेकिन कुछ अरसा बाद सूरत हाल बदल गई और वह वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।